सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में पावर बैंक और मोबाइल स्टैंड बनाने वाले जो कि एक साथ जुड़ा होगा। गाइज ये वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसको मैंने बनाया है खुद से अपने घर पर और डिज़ाइन भी गाइज मैंने बहुत ही अच्छी देने की कोशिश की है। आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया, बहुत ही अच्छी तरीके से ये होल्ड हो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिथियम बैटरी ले लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने तीन बैटरी ली है, इसमें ये तीनों बैटरी को पैनल में कनेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। तो गाइज सबसे पहले डबल साइड टेप ले लिया हूँ, ये डबल साइड टेप को मैं इधर पर कुछ इस तरीके से चिपका दूंगा। अब बैटरी को अच्छे से टिकाए रखने के लिए यहाँ पर मैं बैटरी को अच्छे से चिपका के खड़ा कर दूंगा। और गाइज यहाँ पर मैं सोल्डरिंग करने वाला हूँ, ये दो वायर को मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग करूँगा। तो गाइज चलिए फटाफट से इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। जैसा ही गाइस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने प्लस को प्लस में और माइनस में अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और गाइस यहाँ से हमें दो वायर निकाल लेने के हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद गाइस मैं पावर बैंक मॉड्यूल लेने वाला हूँ, जो कि ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का मैंने पावर बैंक मॉड्यूल ले लिया है। और गाइस यहाँ पे जैक लगा हुआ था जिससे हम बैटरी को चार्ज कर सकते थे, लेकिन वो जैक ख़राब हो गया था, तो मैंने ब्लैक और रेड वायर ये दोनों को इधर पर कनेक्ट कर दिया है अच्छे से। और गाइस यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जिससे कि वहाँ पर जो LED लाइट है उसको हम जला सकते हैं। और ये गाइस चार्जिंग इंडिकेटर वाला लाइट है, ये जो चार LED लाइट आप लोग देख रहे हैं चार्जिंग इंडिकेटर वाला है। तो चलिए गाइस मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं B- है, यहाँ पे कुछ इस तरीके छोटे से लिखा हुआ है। हाँ ये रहा, यहाँ पे B- लिखा हुआ है और वहाँ पे B+ लिखा हुआ है। यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं B- में येलो वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे B+ में मैं रेड वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट करूंगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर सोल्डरिंग कर लिया है। कहीं इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है वरना ये निकल भी सकता है। तो गाइस इसका कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है, मैं आगे और भी अच्छी तरीके से आपको इसका कनेक्शन बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने बैटरी ले लिया है और गाइस इसको बॉक्स में हम फिट करेंगे। तो उसके लिए गाइस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने 5 वोल्ट का सॉकेट ले लिया है, कुछ इस तरीके का होगा। और गाइस यहाँ पे मैंने PVC पाइप का सीट ले लिया है, मैं इस पर कुछ लाइनिंग करूँगा। तो चलिए फटाफट से लाइनिंग कर लेता हूँ। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरीके का लाइनिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक मार्किंग कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैं एक और मार्किंग करूँगा जो कि 11 सेंटीमीटर का होगा। तो अब इस तरीके से हम अच्छी तरीके से लाइन कर लेंगे इस पर। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे इसको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब तो मैं इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसका अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब सैंड पेपर के द्वारा अच्छे से इसको घिस लूँगा। तो कुछ इस तरीके से सैंड पेपर के द्वारा चारों तरफ से मैं इसको अच्छे से घिस लूँगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग इसकी हो गई है, बहुत ही अच्छा ये दिखने में लग रहा है। तो अब उसके बाद बैटरी को और पावर बैंक मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से रख देंगे। और इसको रखने के बाद पेंसिल के द्वारा ऊपर से एक मार्किंग करेंगे और नीचे से एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद गाइज एक ऊपर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद स्केल के द्वारा मैं एक बार देख लेने का इसका मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर का है। तो मैंने 9 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का दो पीस कटिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का दो पीस कटिंग कर लिया है। अभी इसको हम यहाँ पर चिपका कर बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बॉक्स बनाकर रेडी कर लिया है। अब गाइस उसके बाद पावर बैंक मॉड्यूल को इसके अंदर फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें मुझे मार्किंग करना होगा। तो चलिए फटाफट से मार्किंग कर लेते हैं। तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद गाइस ये जो हमारा चार्जिंग पोर्ट है इसको हम इधर पे लगाने वाले हैं। उसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करके मैंने अच्छी तरीके से इसकी कटिंग कर लिया है। गाइस इसकी कटिंग मैंने इसकी मदद से की, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो USB पोर्ट है इसको मैंने अच्छे से गर्म करके कुछ इस तरीके से कटिंग कर लिया है। गाइस आपको पुराने चार्जर में से इसको निकाल के कर सकते हो। और गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाने का है, ये जो स्विच और इंडिकेटर लाइट है वो नीचे की ओर चला जाए, इस तरीके से हमें इसको लगाने का है।
तो कुछ इस तरीके से ये स्विच और इंडिकेटर लाइट के लिए यहाँ पे मैंने 5 होल किए हैं, स्विच के लिए बड़ा होल किया है और इंडिकेटर लाइट के लिए छोटा बड़ा ऐसे करके मैंने यहाँ पे होल किया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको होल कर लिया। अब गाइस इसमें जो भी मार्किंग वार्किंग करनी थी, होल होल करना था, मैं उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब गाइस इसको इसके अंदर लगाने के लिए मैं यहाँ पे USB केबल का जो वायर होता है उसको कुछ इस तरीके से इसमें लगा दूंगा, और उसके बाद गाइस कुछ तरीके से लगा करके हॉट ग्लू स्टिक से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको चिपका देते हैं। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको चिपका दिया है। और उसके बाद चार्जिंग पोर्ट को ले लेंगे और चार्जिंग पोर्ट को भी इस बॉक्स के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्जिंग पोर्ट को अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब यहाँ पे जो जितना भी USB केबल था उसको बाहर निकाल देंगे। गाइस ये बहुत ही अच्छी सूख चुका है। अब उसके बाद गाइस चलिए इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट का जो रेड वायर है उसको पावर बैंक के रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे, और जो ब्लैक वायर है उसको ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हम बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज कर सकें। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस चार्जिंग पोर्ट का कनेक्शन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया। अब गाइस बैटरी का कनेक्शन करने का है, तो जो बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको हम पावर बैंक के जो रेड वाला वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो बैटरी का माइनस वाला पॉइंट है उसको हम येलो वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्शन कर दिया, और गाइस इसमें टैपिंग भी कर दिया हूँ जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। और कुछ इस तरीके से मैं हॉट ग्लू स्टिक को अच्छी तरीके से इसके अंदर डालकर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चिपका देंगे, जिससे बैटरी जो है इधर से उधर ना हो। और गाइस उसके बाद इसका जो ऊपर का कैप है उसको अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो चलिए फटाफट से इसको भी चिपका कर फिनिशिंग दे देते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चिपका कर फिनिशिंग दे दिया है, और गाइस आप लोग इसका लुक देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलिए सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके का PVC पाइप ले लिया है, जो कि हार्डवेयर शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगा। गाइस मेरा पुराना पड़ा था तो मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ इसमें। तो गाइस यहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर की मार्किंग करूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको मैं बता दूँ यहाँ पे 1-2 पॉइंट हम ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कटिंग करके फिनिशिंग देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब मैंने पेपर को लपेट के कुछ इस तरीके से राउंड कर लिया है। अब इसको हैस्को ब्लेड के द्वारा अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसके हैस्को ब्लेड के द्वारा कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 पीस को कटिंग किया। दोनों PVC पाइप में से एक PVC पाइप को हम ले लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर से 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे और नीचे से भी 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करनी है। और मार्किंग करके पेपर के द्वारा अच्छे से इसको राउंड मार्किंग कर लेंगे, अच्छे से इसको हैस्को ब्लेड के द्वारा दोनों साइड को कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों साइड की कटिंग कर ली है, और गाइस फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसकी दे दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, और उसके बाद गाइस एक PVC पाइप का जो टुकड़ा था उसको ले लेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने एक PVC पाइप का सीट ले लिया है। इस PVC पाइप के सीट के ऊपर इसको हम कुछ इस तरीके रख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे राउंड मार्किंग कर लेंगे। अंदर से हमें राउंड मार्किंग करने का है, तो कुछ इस तरीके से मैंने 4 राउंड मार्किंग की है। अब इसको कैंची के द्वारा अच्छे से कटिंग कर लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 पीस को मैंने अलग अलग कटिंग कर लिया। अब इसको राउंड कटिंग करके अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए फटाफट से कटिंग करके फिनिशिंग दे देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कटिंग करके फिनिशिंग दे दिया हूँ। अब उसके बाद इसके अंदर अच्छी तरीके से लगा लेंगे और ठोक ठोक के इसके अंदर कर देंगे। अगर सभी पीस के अंदर अच्छे तरीके से ये राउंड सीट को लगा करके ठोक देंगे, और बहुत ही अच्छी फेविक्विक के द्वारा अच्छे से चिपका करके इसको सेट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो गाइस इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब इसके मिड में एकदम अच्छी तरीके से एक डॉट कर लेंगे। अगर सभी पीस के अंदर अच्छे से डॉट करने के बाद ड्रिल मशीन से होल कर लेंगे। तो गाइज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर होल कर लिया है। अब उसके बाद गाइज ये बोल्ट को इसके अंदर फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन गाइज इसके साइज का मैं होल करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से उसी के साइज का मैंने अच्छी तरीके से होल कर लिया है। अब गाइज इस बोल्ट को इसके अंदर अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं।
गाइज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर लिया है। अगर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे गाइज, हमें इतना टाइट करना है जिससे कि ये थोड़ा ढीला रहे, और इसका इसके अंदर एक और नट लगा देंगे जिससे कि ये जो हमारा नट है वो बार बार ढीला ना हो, इसलिए इसके अंदर मैं एक और नट को लगा देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है। अब गाइज एक बार इसको मूव करके देख लेंगे तो जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रीली थोड़ा वर्क कर रहा है गाइस। थोड़ा टाइट रहना चाहिए और मूव भी करना चाहिए अच्छी तरीके से। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से ये मूव, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बोल्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे ऊपर का जो साइड जो है उसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो गाइस इसे कटिंग करने के लिए मैं मेटल कटर ब्लेड का यूज़ करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये मेटल कटर ब्लेड खुद से ही बनाया है गाइस। इसको मैंने कैसे बनाया इसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एक और पीस बनाकर रेडी कर लिया है। ये भी गाइस इसी की तरह मूव करता है। तो चलिए थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने उसी पाइप को ले लिया है और उसकी जो लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर की है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी लंबाई के हिसाब से हम यहाँ पे पीवीसी पाइप के सीट के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर की मार्किंग कर ले रहा हूँ मैं, और उसके बाद गाइस यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं स्केल को रख के अच्छी तरीके से लाइन खींच देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक 9 सेंटीमीटर की मार्किंग की है। तो कुछ इस तरीके से 9 सेंटीमीटर में मार्किंग करके यहाँ पे एक और लाइन में खींच लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक लाइन खींचने के बाद इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छी तरह से कटिंग करके फिनिशिंग दे दिया है। उसके बाद गाइस मैंने नोटबुक के पीछे का कवर ले लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस इसकी जो चौड़ाई है वो 5.6 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो लंबाई है गाइस वो 9 सेंटीमीटर की है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो उसके बाद गाइस मैं इस पर कुछ डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इस पर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो गाइस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर लिया है, कुछ इस तरीके का कर लेने का है। और उसके बाद गाइस कैंची के द्वारा इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इसकी अच्छी तरह से डिज़ाइन कटिंग कर ली है। उसके बाद इस पीवीसी पाइप के सीट के ऊपर कुछ इस तरीके से रख कर टेप के द्वारा अच्छे से चिपका लेंगे, और उसके बाद इस पर मार्किंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस पर मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइस सेम टू सेम डिज़ाइन मैंने इस पर बना लिया है गाइस। इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। डायरेक्ट करने जाएंगे तो गाइस बहुत ही इसमें हमें प्रॉब्लम होगा, और गाइस बहुत ही अच्छे से हम डिज़ाइन इस पर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं कुट्टे के ऊपर अच्छे से ड्राइंग करके अच्छे से मैंने किया है। तो कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इसकी अच्छी तरीके से हमें कटिंग करनी है, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं एक लाइन कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड पर राउंड लाइन कर लेंगे। तो मैंने अच्छी तरीके से लाइन कर लिया है, और यहाँ से थोड़ा सा इसको गोल साइज कर देंगे, जो चौकोल था उसको हम गोल कर देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं आपको इसकी डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। देखिए गाइज मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डिज़ाइन देकर कटिंग किया है। और गाइज मैंने इसी तरीके से एक डिज़ाइन और इस पर कटिंग किया है, लेकिन गाइज ये थोड़ा सा बड़ा है। ये गाइज इसकी लंबाई कितने मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये है 11 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है, यहाँ पे 11 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। और गाइज ये जो ऊपर में इसको मैंने खाली कटिंग की है, या नीचे वाले की हमें कटिंग नहीं करनी है, खाली ऊपर वाले कटिंग करनी है। यहाँ पे मैं अलग डिज़ाइन हमको इसको देना है। तो गाइज इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से गाइज यहाँ पे मैं लाइन कर लिया, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको कैंची के द्वारा इसको कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कटिंग कर लेता हूँ, और गाइज यहाँ से एक कटिंग कर लेने की है, और इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से घिस करके फिनिशिंग दे दिया है। तो गाइज कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन हो गया है। और यहाँ पे हम 1.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे ले लेंगे लंबाई, और कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो स्केल के द्वारा मैंने अच्छे से नाप करके इसकी मार्किंग कर लूँगा।
और इसकी मार्किंग करने के बाद इसको भी गाइस कटिंग कर देंगे। तो चलिए फटाफट से मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद गाइज इसकी भी मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है और गाइज अब इसको भी मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दिया। अगर इसका भी डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ इस तरीके से आगे का जो साइड है उसको मैंने हीट करके गर्म करके कुछ इस तरीके का लूज़ कर दिया है। और यहाँ पे मोबाइल रख के कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे हमें होल्ड हो जाए मोबाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको शेप देने का है। तो कुछ इस तरीके से दोनों को मैंने अच्छे से मोड़ लिया है और गाइज मोबाइल इस पर अच्छी तरीके से होल्ड हो जाएगा, मोबाइल जो है वो गिरेगा नहीं। कुछ इस तरीके से मैंने दो पीस कटिंग कर लिया है और इसके साइड में कुछ इस तरीके से हमें चिपकाने का है। तो यहाँ पे एक पीस को मैंने अच्छे से चिपका दिया है, दूसरे पीस को भी वहाँ उस साइड में अच्छे से चिपकाने का है। तो गाइस ये दोनों पीस को मैंने कुछ इस तरीके से अच्छे से चिपका दिया हूँ। उसके बाद गाइस इसको और मजबूती देने के लिए उसके पीछे मैंने पीवीसी पाइप के सीट के टुकड़े को अच्छे से चिपका दिया है जिससे कि ये और मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद गाइस जो हमने दो पीवीसी पाइप कटिंग किए थे उनमें से एक को हमें ले लेने का है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको रख करके फेविक्विक के द्वारा अच्छे से चिपका लेने का है। तो मैंने कुछ इस तरीके से फेविक्विक के द्वारा अच्छे से चिपका लिया है, लेकिन गाइस ये और भी मजबूत चिपक जाए उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आटे का यूज़ किया है। वो जो आटा होता है जिससे हम रोटी पकाते हैं उससे उसको इसके ऊपर डालकर अच्छे से फेविक्विक लगाएंगे तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी मदद से अच्छे से चिपका लिया है और गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक चुका है। और गाइस इसको और मजबूती देने के लिए मैं यहाँ पे MCL का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से MCL से भी अच्छे से चिपका लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से MCL से चिपका दिया है। गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग ये चिपक चुका है, अब गाइस ये टूटेगा नहीं। अगर ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से ये मूव कर रहा है, अगर इस तरीके से मोबाइल होल्ड भी हो जाएगा और गाइस बहुत ही अच्छे से ये मूव करेगा। तो गाइस उसके बाद जो हमारा जो दूसरा डिज़ाइन था जो छोटा वाला उसको कुछ इस तरीके से इसके पीछे लगा के अच्छे से फेविक्विक के द्वारा चिपका देंगे। इसको भी गाइस मजबूती से चिपकाने के लिए हम रुई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रुई को अच्छे से लगा करके मैंने दोनों साइड के अच्छी तरीके से चिपका दिया है। अगर ठीक उसी प्रकार हमारा जो दूसरा पाइप था उसको मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। अगर आप लोग देख सकते हैं ये भी गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक चुका है, अगर ये भी जो है हिल नहीं रहा है। अगर ये जो बहुत मजबूती से मैंने इसको बनाया, अगर आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना सच में। उसके बाद जो हमारा पावर बैंक था गाइस उसको हम ले लेंगे। कुछ इस तरीके से ये जो ऊपर वाला पार्ट था उसको हम कटिंग कर देंगे। इसके दो पार्ट ऊपर में निकले थे तो मैंने एक को पहले कटिंग कर दिया, अगर दूसरे को भी मैं कुछ इस तरीके से कटिंग कर दिया हूँ। अब गाइस इसके बाद इसका जो लुक था वो अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने कटिंग कर दिया। और उसके बाद ये जो नीचे वाला मैंने इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाकर नीचे के साइड में इस तरीके से PVC पाइप के सीट को कटिंग करके इधर पे लगा दे रहा हूँ। अगर इसको भी अच्छे से मजबूती से चिपका देंगे तो गाइस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी चिपका दिया। अब गाइस इसका जो लुक है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ये अगर आप मंगाएंगे तो गाइस ऑनलाइन आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, मैंने इसको सस्ते प्राइस में आपको बनाकर दिखाया है। तो उसके बाद गाइस PVC पाइप का एक सीट लेंगे और यहाँ पर हम इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो चलिए फटाफट से चिपका लेते हैं। तो गाइस इसके नीचे मैंने रुई को अच्छी तरीके से लगाकर मजबूती से फेविक्विक के द्वारा चिपका दिया है जिससे कि गाइस ये पूरा एकदम मजबूती से बना रहे। अब गाइस बहुत ही लंबा ये चले इसलिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर आपको दिखाया है। तो गाइस उसके बाद इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैं सैंड पेपर के द्वारा अच्छे से घिस कर इसको फिनिशिंग दे देता हूँ। और उसके बाद गाइस इसके ऊपर मैं येलो कलर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर अच्छे से कलर भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका लुक दिखाते हैं। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पर येलो कलर कर लिया है। गाइस कलर करने के बाद तो इसका लुक पूरा चेंज ही हो गया है। गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो भी मैंने इस टेप लगाया था उसको मैं निकाल लेता हूँ जिससे इसके अंदर जो कलर है वो जाए ना, इसलिए मैंने टेप लगा कर इस पर कलर किया था। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से निकल चुका है। अब गाइस इसका जो सिनेमेटिक लुक आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे USB केबल ले लिया है, इसको मैं पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे गाइज मैं मोबाइल को होल्ड करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल को मैं यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल को भी अच्छे से होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे USB केबल को अच्छी तरीके से मोबाइल में लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया और गाइज चार्ज बहुत ही अच्छी तरीके से उठा लिया। आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल जो चार्ज होने लगा है यहाँ पे आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए गाइज बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा मोबाइल है
वो चार्ज होने लगा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मोबाइल यहाँ पे होल्ड हो चुका है और यहाँ पे आप लोग कोई भी वीडियो यहाँ पे लगा कर देख सकते हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको मोबाइल स्टैंड की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक थोड़ी छोटी सी कमी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो पीवीसी पाइप भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये मोटी वाली पीवीसी पाइप है और यहाँ पे मैंने पतली वाली पीवीसी पाइप की सीट की यूज़ किया है, जिसके वजह से जो मोबाइल होल्ड करेंगे तो ये जो है वो टेढ़ा हो जा रहा है, तो गाइस ये टूट सकता है। तो आप लोग इसी जो मोटा वाला पीवीसी पाइप का जो सीट है, इसके जगह पे आज ये वाला जो ऊपर हमने मोबाइल होल्डिंग के लिए बनाया है उसके पीवीसी पाइप का सीट का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये छोटी सी कमी थी जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके डिज़ाइन में गाइस कोई भी कमी नहीं है, एकदम ऑनलाइन मिलने वाले प्रोडक्ट के जैसा ही है। और गाइस यहाँ पे मैंने चार्ज में इसको लगा दिया है, अगर ये एडाप्टर के द्वारा ये बहुत ही अच्छे से चार्ज हो सकता है। अगर ये देखिए अभी ब्लिंक कर रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे से चार्ज हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।